अभी आपकी बीपीटी थ्योरम, हमारे बीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा बीपीटी थ्योरम में बीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं है? चलो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब एक बार, क्या है बीपीटी की फुल फॉर्म? सर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी हर्षिका, बीपीटी थ्योरम क्या होती है, क्या गिवन होता है बीपीटी थ्योरम में? सर बीपीटी थ्योरम में सर पैरेलल क्या गिवन होता है? क्या गिवन होता है बताओ भाई, खर्च के का गिवन क्या होता है इसमें? पता सब पैरेलल गिवन होता है, जैसे 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 कोई भी जैसे एग्जांपल हो उसमें ना, इसमें मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इसमें क्या पैरेलल गिवन होता है बताओ? क्या कह चल ए बी ये बताओ, सर जैसे DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये चीज गिवन होती है अपने को। यस, और प्रूव क्या करना होता है इसमें? प्रूव क्या करना होता है? सर इसमें प्रूव AD जो है वो DB के AD बाय में DB इज इक्वल टू AC बाय में EC इक्वल टू AE बाय EC, ये गिवन होता है, ये प्रूव करना होता है। है ना हर्षिका, यही प्रूव करना होता है ना? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ अमनदीप, हमने कल एक रिजल्ट करवाया था, वो रिजल्ट क्या था बीपीटी में हम जिसको अप्लाई कर सकते हैं? ये चीज गिवन हो तो हम एक चीज और लिख सकते हैं, वो क्या है? हमें ये चीज गिवन है, ये तो हम बीपीटी में करते थे मैंने कहा, बट हम क्वेश्चन में एक नया रिजल्ट यूज करते हैं, तो वो रिजल्ट क्या था, तो वो रिजल्ट बताया था। रिजल्ट सर वो सर मैं थोड़ा लेट आया था कल, इसलिए सर मेरा हुआ नहीं हुआ सर। कोई ना, आप बताओ बिन नमन, क्या रिजल्ट था वो? सर पहले तो आप इसको DE पैरेलल BC को AD by DB is equal to EE by AC is equal to 1 by 4 लिख सकते हैं। ये तो BPT थ्योरम से हो गया ना, ये तो सही है। हमने एक रिजल्ट कहा था कि हम वो रिजल्ट यूज करते हैं जब हमें दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर करना आए, तो हमने कहा था कि हम कौन सा रिजल्ट फॉलो करेंगे BPT में। सर वो जो लास्ट में आंसर आया था वो बताना है क्या? हाँ वही बताना है, पूरा प्रूफ नहीं बताना आपको। AD by AB is equal to AE by AC. AD by AB is equal to AE by AC. Yes sir. बहुत बढ़िया भाई नमन, ये रिजल्ट था भाई। अगर हमें ये चीज गिवन है तो हम
ये वाली बात भी अप्लाई कर सकते हैं भाई इस बीपीटी थ्योरम पे। अब जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखना। आइए हम आपके डाउट्स लिखते हैं। तो जो मेरे पास अभी तक जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो डाउट्स आए हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन कौन से डाउट हैं, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं दिया वो देख लेना कि आपका इसमें है या नहीं। सेकेंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है, ये वाले डाउट है भाई। इसके अलावा किसी और का कोई है? नो सर। नहीं, नो सर। ठीक है भाई, भूमल तो करवाएगा आज, है ना भूमल? आते हैं भूमल को तो। यस सर। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसका डाउट है उसका पार्ट नंबर कौन सा डाउट है भाई? ये तीनों ही डाउट है या कोई पार्ट डाउट है पर्टिकुलर? ईशान और दर सर तीनों ही है। तीनों ही डाउट है, ओके। देखो भाई, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे सेकंड कर लेंगे इसी फिगर से। तो मैं फिगर बना दूंगा, और फिर हम यहाँ पे थर्ड पार्ट करेंगे। मैं बताऊंगा सर। एक सेकंड उमल, आपसे पूछेंगे। ये है हमारा सेकंड का फर्स्ट करेंगे, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट में देखो गर्व, अब ई और एफ दो पॉइंट्स हैं ऑन द साइड पी क्यू और पी आर। अब आपको गर्व इसमें क्या प्रूव करना है ये बताओ। ई एफ पैरेलल टू, ये करना है गर्व? यस सर। तीनों में ये चीज प्रूव करनी है आपको। तो आप ये बताओ, ये करने के लिए अगर हम ये शो कर दें कि PE by EQ इक्वल है PF by FRK, तो क्या ये चीज प्रूव हो जाएगी? यस सर। यस सर। तो हम सिर्फ ये चीज प्रूव करेंगे इसमें। तो आइए मैं वैल्यू लिखता हूँ। PE मेरे पास है अगर 3.9, ये है 3.6 और 2.4। आओ चेक करो भाई क्या होएगा ईशान बीपीटी से। 3.9 डिवाइडेड बाय 3। यस सर। 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। अब इस पॉइंट को आप रिमूव करोगे तो 39/30 हो जाएगा, ही ये हो जाएगा 36/24। ये ऊपर 10 जाएगा और नीचे भी 10 आएगा जब पॉइंट को रिमूव करोगे तो। यस सर। 10 से 10 कट जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 12 3 36, 12 2 2, ये कितने पे जाएगा? 3 पे। 13 और 10 पे 3.1.3 और 2.3 नहीं है सर। 1.3 और 1.5 तो सर नहीं है। अगर इक्वल नहीं है इट मींस लाइंस पैरेलल नहीं है। नहीं है। एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। आई हैव इट इन माय फर्स्ट पार्ट। यस सर। तो तीनों कर लेंगे अब, तो चेक करना होगा ना सब में। हाँ, तीनों में चेक करना है शाम। ओके सर, कर लूंगा सर, कर लेंगे। मैं एक थर्ड पार्ट कराता हूँ, आज बच्चों का ना थर्ड भी डाउट था तो देखो एक बार। P Q R E और F 1.28, ये देखो ईशान यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू है आपके पास 1.28, और PR हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू है 2.56, और PE है 0.18 और ये है 0.36।
अब इसमें बताओ कर कौन सा रिजल्ट यूज होगा सर? पहले सर पी क्यू माइनस पी करेंगे सर, पी क्यू आ जाएगा सर, कर फिर ये वाले लगा। एक मिनट कर, नहीं कर सकते कंप्लीट ये रिजल्ट वन नहीं है क्या बीपीटी थ्योरम का? कर मैंने अभी भी बताया ऊपर। यस सर है। आप डायरेक्ट यूज करो ना, क्यों इसको माइनस प्लस करना इतना? ओके सर। 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28 इज इक्वल टू 0.36 डिवाइडेड बाय 2.56। अब ये पॉइंट जब रिमूव करोगे तो नीचे 100 आएगा, और ये पॉइंट जब रिमूव करोगे तो ऊपर 100 आएगा। कैंसिल आउट, कट करो इसको। 2 9 जा 2 6 12 64, तो कितना आ गया 9/64। यस सर। ऊपर 100 नीचे 100, कैंसिल आउट। 4 9 जा और 4 से इसको कट करोगे तो 64, कितना आ गया ये भी 9/64। क्या ये पैरेलल है? हो गई ना? यस सर। यस सर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आइए थर्ड। सर ये बी पार्ट है? ये सी पार्ट कराया। सी, ओके सर। बी तो आप कर लोगे सी में। आइए भाई हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भाई सभी, क्या गिवन है, आपसे ही करवाएंगे सभी से, तो ध्यान से बैठना। आप कह रहे हो ना ट्राई तो सभी नहीं किए, तो हम किसी से भी अभी पीडीएफ मंगवाएंगे, देखना पीडीएफ मंगवा सकते हैं अभी, ट्राई तो आपने कर ही रखे हैं सारे क्वेश्चंस, आप खुद बोल रहे हो ट्राई किए। ये वाली लाइन तो थोड़ा हम कर, ऐसे गिवन है भाई ये फिगर, क्या क्या गिवन है इसमें ये बताओ, देखो बुक में क्या क्या गिवन है सर। डी पैरेलल है सी, तो ये फिगर गिवन है इसमें, ये गिवन है आपको, ये ए पॉइंट है, ए बी सी डी एफ ई, ये है इसमें ये गिवन है अपने को अर्पित की डी एफ पैरेलल टू ए, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है डी ई, इसके पैरेलल है ए सी के। यस सर। डी ई नहीं, गलत लिख दिया क्या मैंने? नो सर, ऐसे ही है। डी क्या गिवन है देखो, डी ई पैरेलल टू ए सी, एंड नेक्स्ट पॉइंट गिवन है आपको डी एफ पैरेलल टू ए, और प्रूव करना है आपको BE by BF, BF by FE, इसके इक्वल होगा
हाँ भाई देखो, तो BE BF parallel to BF by FE is equal to BE by EC. ये बताओ भाई, आपने थ्योरम्स पढ़ी है तो अर्पित, ये लाइन अगर पैरेलल है तो भाई BPT थ्योरम कौन सा रेशियो सेम होगा? BD by DA, BD by BE by AC, BE by AC. कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम अभी इसमें? सर ABC. ट्रायंगल BAC या ABC? एक ही बात है, क्योंकि ये इसका पिक पॉइंट है, ये वाली लाइन जा रही है, इसीलिए ये वाली जो लाइन है DE और AC पैरेलल है. ये वाला पॉइंट समझ में आया भाई सभी को? ये हमने कैसे लिखा? यस सर. ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट बताओ भाई वंश, क्या होगा जब DF पैरेलल होगी AE को? DF पैरेलल AE, हम किस ट्रायंगल सर BF बताना, हम किस सर ट्रायंगल BAE में? इन ट्रायंगल BAE में DF मतलब ये वाली लाइन बंच इसके पैरेलल है, तो BPT क्या एप्लीकेशन सर? BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. यस सर. तो अब देखो गर्व, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर? BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BF बाय FE ट्रू हो जाएगा सर. ये सर इन दोनों की ये वाली साइड सेम आ रही है हमारे पास, एक साइड? यस सर. इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी? यस सर. तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा, यही प्रूव करना था क्या हमें? यस सर, यही करना था. यही करना था. बताओ भाई किसी को समझ में ना आया? ये वाली चीज हमने कैसे लिखी वो देखो, जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू है, 2 इज इक्वल टू x है मेरे पास. ये हमने देखो कैसे लिखा है, अभी आपको मैं समझाता हूँ. मैंने कहा 2 इज इक्वल टू एक्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है. सेकंड स्टेटमेंट में है y इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है. तो इन दोनों स्टेटमेंट से क्या ऑब्जर्व हो रहा है? x y के इक्वल है ना? यस सर. तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये दोनों चीजें इसकी सेम है तो हम x को y के इक्वल लिख सकते हैं. तो इसीलिए फ्रॉम 192 BE by EC किसके इक्वल होगा? BF by FE के. बताओ भाई आया समझ में सभी को? बोलो भाई. यस सर. यस सर. ये हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किसका डाउट है भैया? सर मेरा डाउट है. सर मेरा डाउट है. ठीक है भाई,
ईशान आपका हो गया ये? यस सर मेरा हो गया। पी ओ क्यू आर पी एफ और ये है डी। देखो भी इस फिगर में अपने को ये गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है थ्योरम्स को। DE पैरेलल टू है OQ, सेकंड गिवन है BF किसके पैरेलल है OR के, ये गिवन है और आपको शो करना है इसमें EF पैरेलल होगा QR के। तो EF पैरेलल टू QR करने के लिए EF पैरेलल टू QR करने के लिए कुणाल हमें क्या करना होगा? क्या सर? EF पैरेलल टू QR करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? सर EF पैरेलल सर PR का रेशो सर PF बाय FR का रेशो सर PE बाय ER के सेम करना होगा। मतलब PE बाय EQ, अगर हम PF by FR की इक्वल प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा? FR। यस सर। तो हम यही चीज इसमें प्रूव करेंगे कुणाल। तो इसमें ये कुणाल, अगर ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है, DE पैरेलल टू OQ, तो ये बता सर, PE by और कौन से ट्रायंगल में हम काम करेंगे? सर पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। बताओ रेशियो क्या आएगा बाय बीपीटी थ्योरम? सर पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पीडी बाय डी ओ। पीडी बाय ई क्यू इज इक्वल टू पीडी बाय डी ओ। डी ओ, बहुत बढ़िया। सेकेंड में बताओ नमन क्या आएगा? ये वाले बताओ हम कौन से ट्रायंगल पे काम करेंगे नमन? सर एक मिनट में बताता हूं। आप देखो आराम से। ये वाली ट्रायंगल पे काम करना है ना अपने को कि DF पैरेलल टू DF पैरेलल POR। बहुत बढ़िया। इसमें रेशियो बताओ कैसे लिखोगे? PF PF बोल रहे हो या EF? सर PF। PF by FR FR is equal to PD by DO। अब देखो नमन यहाँ पे from 1 and 2 क्या इनकी right side same है दोनों की? Yes sir। तो left भी क्या? PE by EQ is equal to PF by FR। और देखो हमने ये चीज prove कर दी, इन दोनों से ये observe हो जाएगा ना यहाँ से। देखो यहाँ से ये वाली चीज ऑब्जर्व हो गई, ये देखो ये यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ आ गई। तो ये चीज अगर इक्वल हो गई तो लाइंस क्या बन जाएंगी? पैरेलल। पैरेलल बाय बाय विच थ्योरम? बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम? बाय
कन्वर्ट्स, क्योंकि ये रेशियो और ये प्रूव करना है तो ये इसका अपोजिट है ना थ्योरम का। तो लाइन पैरेलल गिवन, लाइन पैरेलल आपको शो करनी है, गिवन का है उसमें बीपीटी में। हाँ बीपीटी में लाइन पैरेलल होती है और रेशियो शो करना होता है। इसमें हमने रेशियो निकाला है और लाइन को पैरेलल किया है, अपोजिट हो गया ना। यस सर। इसीलिए बताओ भाई आया सभी को समझ में क्वेश्चन फिर? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो किसका डाउट है। क्वेश्चन सिक्स अमनदीप का था एक तो और किसी का नहीं है बाकी। अमनदीप मेरा है सर, बता देना एक बारी। सर मेरा है, बता देना। ये वर्कशीट इम्पोर्टेंट है भाई और बहुत इजी भी है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन फोर मार्क्स का इसी में से देखने को मिले आपको पेपर में। बहुत इजी वर्कशीट है, कर सकते हो बड़े आराम से। देखो भाई इसमें है ये पी क्यू आर बी ओ सी, ये है ए। इसमें क्या गिवन है अपने को ईशान? गिवन क्या है भाई हमारे को निशान? सर ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी पैरेलल टू पी क्यू। पी क्यू एंड ए सी, एंड ए सी पैरेलल टू बी आर। बी आर ठीक है। बी आर तो शो क्या करना है अपने को इसमें? सर बी सी पैरेलल टू क्यू आर। BC parallel to QR, बहुत बढ़िया। हाँ भाई भव्य है, ये बताओ अगर AB PQ के parallel है तो हम किस triangle में काम करेंगे और क्या हम लिख सकते हैं? सर इन triangle POQ। इन triangle POQ में काम करेंगे, बहुत बढ़िया भव्य है। और क्या लिख सकते हैं भव्य BPT theorem से? OA by PA। OA by PA is equal to OB by BQ। OB by BQ बहुत बढ़िया। अब यंशी का सेकंड ट्रायंगल में हम किस में काम करेंगे? यस सर। सेकंड जो कंडीशन गिवन है उससे क्या रिजल्ट आएगा और किस ट्रायंगल में हम काम करेंगे? सर इन ट्रायंगल POR। Entangle POR OA divided by AP। OA divided by AP। AP equal to OC by CR। क्या ये Thales theorem से हुआ है अंशिका? ये हमने जो लिखा है क्या by Thales theorem लिखा है? यस सर। हाँ जी यस सर। क्योंकि थेल्स थ्योरम का ही नाम क्या है? बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम
इसमें भी कंफ्यूज मत होना भाई। हाँ भाई केशव बंसल, आगे कैसे करेंगे इसको? इसमें OA by OP दोनों में है तो OB by BQ equal to OC by CR हो जाएगा। ओके तो OB by BQ किसके इक्वल हो जाएगा? OC by CR। CR तो ये क्या प्रूव हो गया केशव बंसल, ये वाला जो हम प्रूव करना चाह रहे थे? यस सर, सर इसमें ये रेशियो ठीक है तो BC पायलट तो क्या हुआ? ये रेशियो किस ट्रायंगल में आ रहा है ये बताओ पहले, ये जो रेशियो है क्या हुआ आर? क्या हुआ आर में? हम किस में बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल OQR में देखो यहाँ से दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इट मींस ये लाइन इसके क्या होता है? पैरेलल। यस सर। ये लाइन इसके क्या हो गई? पैरेलल। किससे हो गई केशव? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बहुत बढ़िया भाई। आया भाई सभी को समझ में ये क्वेश्चन? यस यस सर। ठीक है भाई, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो भाई सभी। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है। क्या रीड? अभी सात्विक जी इसमें क्या प्रूव करना है 7th में? बताओ भाई सात्विक, प्रूव क्या करना है 7th में अपने को? केशव बंसल बताए क्या करना है भी, अगर पता चल गया तो। सर मैं बताऊं? बताओ गिवन क्या है और प्रूव क्या है? गिवन क्या है इसमें गर? बताओ सर, मिड पॉइंट थ्योरम है सर गिवन। नहीं, पी मिड पॉइंट गिवन है। यस सर। क्या पी क्यू बीसी के पैरेलल गिवन है? यस सर। यस सर। और प्रूव क्या करना है अपने को? सर मिड पॉइंट थ्योरम। नो सर। कि मैं बताऊं, हमने एक लाइन ड्रो की, a line is drawn through the midpoint of the one side of the triangle jo which bisect the third side, which bisect the third side, ye prove karna hai. So it means ye iske equal aapko prove karna hai, aq kiske equal hoga qc ke. Okay sir. Jo hai usko bisect karega. Ye third side kaise bani? First side pe to midpoint tha, second side triangle ki parallel thi, to bachi kaun si? ac. Yes, sir. तो इसीलिए हमें इसके पैरेलल इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें ये बताओ भूमल, यहाँ पे प्रूफ के अंदर क्या बीपीटी थ्योरम लग सकती है अगर ये लाइन पैरेलल गिवन है तो? Yes, sir. चुनाव कैसे लगेगी? पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, आप जनरल लगाओ, जनरल बीपीटी थ्योरम लगाओ, क्या बनेगा? अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है तो क्या होगा भूमल? एपी बाय बीपी किसके इक्वल होगा? ए क्यू बाय क्यू सी के। यस सर। बीपीटी थ्योरम। अब पीबी के इक्वल है? पी इज मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट।
तो इसको हमने पी बी पुट कर दिया, पी बी बाय पी बी किसके इक्वल आ गया, ए क्यू बाय क्यू सी के, वन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए किसके क्यू सी के, यही प्रूव करना था आपको। यस सर। बताओ भैया है सर, एपी और सर एपी और पी बी इक्वल क्यों लिए सर, पी क्या, पी मिड पॉइंट, पी क्या गिवन है सर आपको, सर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो लेंथ इक्वल होगी ना, यस सर। अब दोबारा आ गया सर, होमवर्क है आज का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और एग्जांपल नंबर 2, ये होमवर्क करना है भैया आज आपको, चार क्वेश्चन है होमवर्क में, ये सभी कर लेना भैया आज के लिए, इतने भी और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो सर। किसी का कोई भी क्वेरी हो